अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वीओ बी एस सी एस। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की स्टूडियो में आप लोगों को बताऊंगा FBR में जॉब आई हुई है 2020 अक्टूबर, ठीक है। इसकी आखिरी डेट क्या है वो भी हम देख लेंगे, और इसके अंदर क्या क्या पोस्ट में वैकेंसीज आई हैं वो भी हम चेक करते हैं, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये देख सकते हैं, अगर आप गूगल पर जाकर टाइप करेंगे FBR जॉब 2020 तो आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप जाकर ट्राई कर लीजिएगा। अगर आपको वहाँ पर ना मिले तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, तो वहाँ से आप जाकर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा जॉब FBR जॉब 2020, ठीक है। इसके अलावा भी और जॉब खाली होंगी वो आप देख लीजिएगा, जो करंट चल रही है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। आप देख सकते हैं नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR, ठीक है। टोटल वैकेंसीज कितनी है, 405 प्लस वैकेंसीज हैं, और जॉब लोकेशन क्या है, सियालकोट, कोटा, कराची, इस्लामाबाद, दिल्ली, बलूचिस्तान, ठीक है। अगर तो आप इन सिटीज़ से बिलोंग करते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसके बावजूद तो आप किसी और सिटीज़ से बाहर हैं तो आप इसमें अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी लास्ट डेट क्या अप्लाई करने की, वो है 26 अक्टूबर 2020, ठीक है। तो आप देख लेते हैं इसमें पोस्ट क्या दी गई। इसमें दिया गया आपको सिविल पैकेज दिया गया है, कैटेट के ऑपरेटर है, अपर डिवीजन क्लर्क UBC और लोअर डिवीजन क्लर्क IDC, वायरलेस ऑपरेटर है, साइको डॉग हैंडलर्स, ड्राइवर्स, डिस्पैच चार्जर्स, लैब बैक, कंसेप्ट ऑथोरिटी वर्कर्स, सेफर्स, ठीक है। तो आप आपने करना क्या, एप्लीकेशन फॉर्म डिटेल्स एंड डिस्क्रिप्शन, तो आपने इस पर क्लिक करना डिटेल फॉर्म में, तो आपको मिल जाएगा डिटेल्स पर यानी सक्सेस पर। मैंने इस पर क्लिक किया तो ये मुझे एक लिंक पे ले गया, ठीक है। आप इसके अंदर आपको दी गई है डिटेल, ठीक है। इसमें आपको वीडियो दी गई है, वीडियो में बताया गया है इसके अलावा, ठीक है। फिर इसमें ये चीज़ सिर्फ बताया गया कि आपको अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। तो वो मैं आपको उस वीडियो में समझा दूँगा, ठीक है। तो अब आप देखिए, ये आपको सबको खुल गया है, ठीक है। आप इस और एक जॉब किए हैं, ठीक है। इसको आप चाहे देख लीजिए, इसमें लगता है कुछ खास है नहीं, ठीक है। तो इस चीज़ के बारे में आपको समझाऊँगा, उनको चेक कर लेते हैं। मैंने इस पर क्लिक किया कि अपना से कर दी जगह आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। आप इस तरीके से हमने पढ़ा था सियालकोट, ठीक है, पेशावर, कोटा, तो यहाँ पर ये दिया है आपका एड्रेस, ठीक है। तो आपका जो भी उसमें एड्रेस आ रहा हो तो आप उसको जाके अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। गिलगित बलोचिस्तान, जिन्नर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कराची, ठीक है। मैं कराची से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। तो मैं कराची के लिए अप्लाई करूँगा एड्रेस वगैरह, ठीक है। तो अब आप देख लें, अगर आप यहाँ पे सियालकोट से बिलोंग करते हो तो आप देख लें यहाँ पर LDC, सैपो, ड्राइवर की तो कैसे कितनी नहीं है, 3 या 32 है, तो आप ही पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और इसमें क्या मेरिट मांगा हुआ है आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ कराची की, तो कराची में देखें सिविल पैकेज की वैकेंसी कितनी है, 1 है। UDC कितनी है, 1 है, ठीक है। तो इस तरीके से वैकेंसी दी हुई है आपको, उसका मेरिट नंबर भी दिया हुआ, ठीक है। और ये इसका एड्रेस दिया है ऊपर, कराची का एड्रेस ये है, ठीक है, कोटा का एड्रेस ये है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एड्रेस दिया हुआ है, तो आप उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं अपने काम की बात पर। आप यहाँ देखें, अब यहाँ पर आपको पोस्ट दी गई है, आपको दिया गया है, पहला है स्टेनोग्राफिस्ट चाहिए BPS 14, ठीक है। तो उसको नाम दिया हुआ है BPS 14, इस पर लिख लेंगे। इसमें आपको क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस क्या मांगा हुआ है, इसमें आपको मांगा हुआ है स्पोर्ट्स के लिए इंटरमीडिएट होना चाहिए, ठीक है। और मेरे पास स्कूटा की 80 से या 40 WPM होनी चाहिए, ठीक है। और कंप्यूटर लिटरेट होना चाहिए, यानी कंप्यूटर की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। और एज क्या होनी चाहिए, 18 से 30, ठीक है। तो ये इसके रिक्वायरमेंट ऑफ सारी पोस्ट की रिक्वायरमेंट पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से डाटा एंट्री अपॉर्चुनिटी आप देख लें, इसमें बैचलर्स मांगा हुआ है, इसमें देखें फिजिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, इसमें से कोई भी हो, इकोनॉमिक्स हो, ठीक है। इसके अलावा स्पीड क्या है, 10,000 की प्रिपरेशन पर हॉल एंड कंप्यूटर, ठीक है। तो आप ये देख लीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से क्या है, UDC LDC में क्या है, इंटर मांगा हुआ है, इसमें मैट्रिक मांगा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद मांगा हुआ है आपको कुछ शॉर्ट कोर्स करना पड़ेगा, सिलेक्शन होती है, ठीक है। तो अब आप देख लीजिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या, एक्सपीरियंस क्या, उसके अलावा आप किस कैटेगरी में आ रहे हैं, आप किसमें अप्लाई करना चाहिए, तो आप जाकर अप्लाई करेंगे, ठीक है। मैं जो सिलेक्ट करूँगा बस मैं ये करूँगा, ये मेरा कैलिफिकेशन अभी चल रहा है, तो इस पर मैं अप्लाई नहीं कर सकता, ठीक है। तो मैं एलिजिबल नहीं हूँ, ठीक है। तो जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो आप इसमें अप्लाई करें। और इसमें मेंशन भी किया गया है कि आप एक से ज़्यादा कोर्स में भी अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए आपको 3 मरतबा अप्लाई करना पड़ेगा, 3 मरतबा फुल फॉर्म करना पड़ेगा और 3 मरतबा आपको फॉर्म सेट करना पड़ेगा, एक साथ नहीं करना, ठीक है। तो वीडियो आप जाके लीजिएगा, इनकी ऑफिशियल इसमें उन्होंने बताया गया, ठीक है। आप आए इस सेक्शन में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस पर ओवरऑल मैं आपको मेन पॉइंट समझा देता हूँ, लेकिन एक मतलब आप पढ़ लीजिएगा। इसमें लिखा हुआ है कैंडिडेट हैव डब्ल्यू एस एल, जहाँ का डब्ल्यू एस एल हो आपने वहाँ से अप्लाई कर, ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा।
डोमिसाइल होना मस्ट है। उसके बाद इसके अलावा लिखा हुआ जैसे कि पहले जो हम अप्लाई किया करते थे उसमें आप लोगों को अटेस्ट कॉपी वगैरह आपकी मार्कशीट एन आई सी नोटिफिकेशन मांगते थे। इस बार उन्होंने ये किया कि आपको सिर्फ बोले प्लीज अटैच अटैच ओनली अटैच कॉपी ऑफ सी एन आई सी एंड फेस ऑन वन रिसेंट फोटोग्राफ ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म। यानी आप जब एनवेलप पे सेंड करेंगे तो आपका एन आई सी अटैच होना चाहिए। यानी अटैच करना ये है कि कोई भी सतरा गेट ऑफिसर जो आपका असाइन वगैरह होना चाहिए और फोटो कापी, यानी एन एस सी और आप एन एस सी में अटैच करवा रहे हैं तो एटलीस्ट फोटो कापी भी अटैच करवा लीजिएगा, ठीक है। यानी आपकी पिक की जो यानी आपकी पिक जो है उस पर अटैच करवा लीजिए, यानी एक एन आई सी और पिक की आप अटैच करवा रहे हैं बस। उस तरह से ये चीज़ मांगी है, पिक्चर जो है आपके फॉर्म पर होगा यानी पेस्ट होगा और आपकी एन आई सी अटैच होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपने अटैच करवा रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके एंट्री टेस्ट की, तो एंट्री टेस्ट में मैंशन नहीं किया किस तरीके से क्या होगा, लेकिन उन्होंने ये लिखा हुआ है क्या आप आगे तीसरे पॉइंट पर लिखा फिजिकल टेस्ट होगा, हाइट एंड चेस्ट मेजर एंड रीडिंग फॉर द पोस्ट ऑफ साइफ, ठीक है। आप यहाँ लिखा हुआ है आप देख सकते हैं नंबर 6 DPS 5 साइफ, ठीक है। ये कोई पुलिस की कोई पोस्ट है, ठीक है। तो इसमें मैंने फिजिकल टेस्ट मांगा हुआ है मेल और फीमेल के लिए, यानी हाइट मांगी हुई, ठीक है। तो इसमें मैंने मांगे हुए मेट्रिक और इसमें कहा हुआ है कि आप लोगों का फिजिकल टेस्ट होगा, ठीक है। यानी जॉगिंग जो होती है रनिंग टेस्ट, ठीक है। तो वो इसमें मांगा हुआ इस कोर्स के लिए है, ये इन्होंने मैंशन किया है। बाकी इन्होंने और कुछ भी मैंशन नहीं किया कि कौन सा टेस्ट होगा, ठीक है। तो ये मैं और देख लूँगा पूछ लूँगा कि इसके लिए क्या फिजिकल टेस्ट होगा इन सबके लिए या फिर एंट्री टेस्ट। अमूमन ये होता है कि इन सबके लिए एंट्री टेस्ट होता है, सिर्फ पुलिस के लिए होता है फिजिकल टेस्ट। तो मेरे ख्याल से यही होगा इनके लिए, या तो आपका एंट्री टेस्ट होगा या कोई इंटरव्यू वगैरह का सेटअप होगा, ठीक है। तो अमूमन यही होता है कि इसका एंट्री टेस्ट होता है, यानी कि एम सी क्यूज यानी इंग्लिश के पाकिस्तान एक्सपीरियंस के इस तरीके से आपके एप्टीट्यूड आते हैं, जिसमें एक्टिव टेस्ट होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ मैंशन नहीं किया गया, ठीक है। तो कंफर्म नहीं है, कन्फर्म होगा तो मैं आपको कमर में बता दूंगा, लेकिन क्या कानून यही होता है कि पुलिस में आपका फिजिकल टेस्ट होता है, ठीक है। अब चलते हैं आगे, 3 पॉइंट हो गए। ओनली शॉर्टेस्ट कैंडिडेट हो गए जो सेलेक्ट हो गए, फिर उनको इंटरव्यू में बताएंगे, फिर वहाँ आपको ऑरिजिनल डॉक्यूमेंट चाहिए, ठीक है। तो ये थी मेन पॉइंट। इसके अलावा आप एज लिमिट ज़रूर देख लीजिएगा, 18 से 30 साल के दरमियान में उन्होंने मांगी है, ठीक है। बस ये ज़रूरी थी इसके अंदर। और अब चलते हैं, ये फॉर्म लिया गया आपको एक फिल करना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसका स्क्रीन शॉट दिया था, आपने क्या करना है आपने वापस नहीं आना है। और मैं क्लिक करता हूँ डिटेल फॉर्म पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। और यहाँ मैं आता हूँ नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिया गया एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड फॉर्म, आपने इस पर क्लिक करना है। तो यही आपको देखें स्क्रीन शॉट था, ये पूरा आपको जो है अलग से ओपन कर देगा, ठीक है। अब क्या करना है, आप फोटोग्राफ किया यहाँ पे आपने स्टेपलर इसको अटैच करना और उसमें अटैच करवा लेना है, ठीक है। और अच्छा, आप यहाँ पे मैंने वीडियो पे मैंशन नहीं किया हुआ अपनी ऑफिशियल वीडियो में कि आपने अप्लाई के सही से करना है, इसमें बोले ईमेल करना है, ईमेल का मैंने इलेक्ट्रॉनिक मेल करना है आपने, यानी फिजिकल में यानी जाके मेल करना है, ये मैंने मैंशन नहीं किया, ठीक है। तो ये आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। देखें आपने इसमें क्या करना है, नेम फादर नेम डेट ऑफ बर्थ एन एस सी जो मिसाइल जहाँ का है वो प्रोडक्ट जाके आपने कर देना है। आप यहाँ पे देखें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है वो मैंशन करनी है, आपने कहा था आपकी एक्सपीरियंस है यानी फॉर्म 2 यानी कब से कब तक किया हुआ आपने, ये होगी एड्रेस क्या है, पोस्टल एड्रेस क्या, टेलीफोन नंबर, ठीक है। अब आपके बाद यहाँ पे देखें फॉर कैंडिडेट ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्विस, अगर आप किसी गवर्नमेंट सर्विस में अफवाह है तो आप इस पर कुछ एंट्री करनी है, वरना आप इसको छोड़ देंगे, ठीक है। ड्राइविंग लाइसेंस मांगा है इसके अंदर, ठीक है। अब आपने जो है पोस्ट मैंशन की है वो आपने कहाँ करनी है, ठीक है, वो आप देख लेते हैं। अब देखें नेम ऑफ द चीफ अक्वा पढ़ लें, कलेक्ट्रेट स्लैश डायरेक्ट्री, ठीक है। यहाँ पे आपका एड्रेस आएगा, कौन सा एड्रेस आएगा मैं आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पे दिया पे नेम ऑफ पोस्ट अप्लाई फॉर, ठीक है, आप हम देख लेते हैं, ठीक है। अब आप इनमें से कोई भी पोस्ट अप्लाई करेंगे ना, फर्स्ट क्या रहेगा, मैं करता हूँ UDC BPS 11, मैं यहाँ पे लिखूँगा BPS 11 UPC अपर ड्यूटी क्लर्क, ठीक है। नेम ऑफ पोस्ट अप्लाई फॉर UDC BPS 11, ये मैं यहाँ मैशन करूँगा। अब यहाँ पे एड्रेस आका जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने आपको चीज़ दिखाई थी, अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे अगर मैं कराची से बिलोंग करता हूँ तो मैं यहाँ कराची का एड्रेस डालूँ क्या, आप देख सकते हो ऊपर दिया होता है मॉडल कस्टमर कलेक्ट्रेट, यहाँ पे अगर आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, नेम ऑफ कलेक्ट्रेट कलेक्ट्रेट, ठीक है। तो मेरा एड्रेस क्या आएगा, मॉडल कस्टमर कलेक्टर JIAP क्या जिन्हें नेशनल रिपोर्ट कराची, ठीक है। अगर मैं सिर्फ इतना भी लिख दूँ तो ये भी काफ़ी है, ये एड्रेस आके मैं यहाँ पर डाल दूँगा, ठीक है। तो क्या होगा, डायरेक्टर ऑटोमेटिक यहाँ लिखा हुआ आ गया, और क्या आ गया, मॉडल कस्टम कलेक्टेड JIAP जिन्हें इंटरनेशनल एयरपोर्ट करा दी, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ये एड्रेस डालना है यहाँ पर, ठीक है, और पोस्ट यहाँ पर डाल लेंगे।
ठीक है, अगर आपका कोई एड्रेस है तो आप यहाँ पे ये एड्रेस डाल देंगे, ठीक है, ये एड्रेस उठा के आप डाल देंगे। तो इस तरीके से आपने ये फॉर्म फिल करना है, ठीक है। और लास्ट डेट इसकी आप देख चुके थे, क्या थी लास्ट डेट इसकी? 26 अक्टूबर, ठीक है। तो कोशिश करें कि लास्ट पे इसको सबमिट मत करना है, तो आप बाकी आपके ऊपर है। मैंने आपको गाइडनेस दे दिया है, बाकी मजीद इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप वीडियो देख लें, लेकिन इसके अंदर बताया नहीं किया गया आपने अप्लाई करना है, ठीक है। वो तो मैंने आपको बता दिया इस तरीके से कहाँ पर अप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपकी वीडियो होती है कम्प्लीट। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो पसंद है इसको लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।